हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। ओके बेटा, टुडे वी विल डू चैप्टर नंबर 11 हिंदी का। हम करेंगे पार्ट 11, विजेता कौन। विजेता मीन्स जीतने वाला कौन, ठीक है। ये कहानी है राजा विक्रम सिंह की, जो कि अजबगढ़ नामक शहर का राजा था और वो बिल्कुल कंजूस था, एकदम कंजूस। उसे किसी को पैसे देना तो बिल्कुल अच्छा ही नहीं लगता था। कंजूस मीन्स ऐसा व्यक्ति जो किसी को रुपए पैसे न देना चाहे, कुछ भी ना देना चाहे अपनी चीज़, ठीक है, ऐसा व्यक्ति था वो। अब वो क्या, एक दिन क्या हुआ, उसके मंत्री जी ने कहा, राजा जी आज क्यों ना हम अपने राज्य में दौड़ प्रतियोगिता कराएं। दौड़ प्रतियोगिता मीन्स, दौड़ मीन्स दौड़ना, प्रतियोगिता मीन्स बोलो बोलो, प्रतियोगिता मीन्स स्पर्धा, प्रतियोगिता मीन्स स्पर्धा, स्पर्धा मीन्स रेस, जैसे आपके स्कूल में भी रेस होती है ना ऐसे। अब उन्होंने कहा कि क्यों ना हमारे स्कूल में दौड़, हमारे राज्य में दौड़ प्रतियोगिता कराई जाए। राजा ने कहा हाँ बात तो ठीक है, चलो हम अपने राज्य में, तुम हमारे राज्य में दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन करो। आयोजन मीन्स व्यवस्था करो, उसकी तैयारियाँ करो। तो मंत्री जी ने कहा कि उसे जो जीतेगा हम उसको क्या देंगे। राजा ने कहा हम उसको 200 सोने के सिक्के देंगे। राजा ने कह तो दिया, लेकिन राजा तो कैसा था, कंजूस, उसको तो किसी को रुपए पैसे देना अच्छा ही नहीं लगता था। उसने क्या करा, जब दौड़ प्रतियोगिता शुरू हुई तो बहुत से लोगों ने उसमें हिस्सा लिया, सब लोग दौड़ रहे थे, दौड़ते दौड़ते जीतेगा तो एक, जो एक जीता वो कौन था, रामू। रामू दौड़ प्रतियोगिता में पहले नंबर पर आया, रामू ने दौड़ प्रतियोगिता जीत ली। अब क्योंकि राजा ने कहा था जो जीतेगा उसको 200 सोने के सिक्के मिलेंगे, कितने मिलेंगे, 200, तो क्यों ना, तो फिर उसने सोचा रामू ने, चलो भाई अब तो मुझे 200 सोने के सिक्के मिलेंगे। रामू को राजा के सामने पेश किया गया कि मंत्री जी ने कहा महाराज ये रामू है और इसने हमारी दौड़ प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था और यह जीत गया, ये सबसे पहले नंबर पर आया है, तो हमारे नियम अनुसार हमारा को इसे 200 सोने के सिक्के देने हैं। राजा बोला अच्छा, सोने के सिक्के क्यों? ने कहा क्योंकि आप ही ने तो कहा था जो जीतेगा आप उसको क्या देंगे, 200 सोने के सिक्के देंगे। राजा ने कहा मैंने ऐसा कहा था? नहीं, मैंने तो ऐसा शायद नहीं कहा। राजा ने कहा नहीं, और मंत्री जी ने कहा नहीं महाराज, आपने ये बात कही थी कि जो जीतेगा आप उसको सोने के सिक्के देंगे। अब राजा तो सोच में पड़ गए कि अरे अब इनको 200 सोने के सिक्के यदि मैं दे दूंगा तो मेरे तो कम हो जाएंगे। राजा ने क्या करा, राजा ने कहा ठीक है रामू, यदि तुम जीते हो तो कोई बात नहीं, अब तुम मुझसे जीत कर दिखाओ, अब एक दौड़ तुम्हारी और मेरी होगी और उसमें जो जीतेगा उसे मिलेंगे। रामू बेचारे ने सोचा चलो कोई बात नहीं, ऐसा भी करके देख लेते हैं, शायद मुझे 200 सोने के सिक्के तो मिलेंगे। रामू और राजा की फिर से दौड़ शुरू हुई। रामू और राजा दौड़ने लगे तो रामू तो बेचारा हल्के फुल्के कपड़ों में और राजा महाराज वाले कपड़ों में था, क्योंकि उन वस्त्रों में, उन चप्पलों में दौड़ा नहीं जा रहा था। दौड़ते 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 राजा ने कहा ये तो हवा से बातें करता हुआ दौड़ रहा है, मीन्स इतनी तेज़ दौड़ रहा है और मैं तो पूरा तेज़ दौड़ ही नहीं पा रहा इन कपड़ों की वजह से, ऐसे तो मैं हार जाऊँगा। राजा ने कहा अच्छा, तो क्यों ना ऐसा करूँ कि मैं एक छोटे रास्ते से निकल जाऊँ। राजा ने छोटे रास्ते से चलना शुरू करा। अब राजा ने छोटे रास्ते से दौड़ना शुरू किया तो राजा दौड़ते 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 सबसे पहले पहुँच गया। जब वो राजा दौड़ से पहले पहुंच गया, रामू वहाँ पहुँचा उसने, पर वो पहुंचते पहुंचते राजा को रास्ते में एक ऐसा पत्थर टकराया कि वो ज़ोर से गिरा और उसको बहुत सारी चोटें लग गई, पर वो फिर भी पहुंच गया था इसलिए जीता तो राजा। अब जब वहाँ रामू पहुंचा, रामू ने देखा अरे राजा तो हमसे भी पहले पहुँचा है, अब तो मैं हार गया। मंत्री जी ने कहा कि महाराज ये तो अच्छा है कि आप जीत गए,
पर आपको रामू को फिर भी सोने के सिक्के देने चाहिए थे क्योंकि वो अपनी पहली जीत में जीता था। राजा ने कहा, अब तो मैं ही जीता हूँ ना। मंत्री जी ने कहा, जीते तो हो पर क्या क्या फर्क पड़ेगा, आप दौड़ में तो जीत गए, आपने 200 सोने के सिक्के बचा लिए, पर जो आपको इतनी चोटें लगी हैं उसका इलाज करने के लिए जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो आपको 200 की बजाय 400 सिक्के खर्च करने होंगे। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें कभी किसी को धोखा नहीं देना चाहिए। धोखे से कभी किसी की जीत नहीं हो सकती, है ना। छल कपट करने वाले को उसका बुरा परिणाम भुगतना पड़ता है। राजा ने छल कपट किया ना, उसको पहली जीत के पैसे भी नहीं दिए, फिर उसने दोबारा दौड़ लगाई और खुद तो छोटे रास्ते से चला गया और उसको बड़े रास्ते से भेजा, इसीलिए वो हार गया, है ना। तो हमें आगे से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें कभी किसी के साथ छल कपट नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि हम छल कपट करेंगे तो हम उसका परिणाम हमें ही भुगतना होगा। ठीक है, तो आपको अच्छी लगी कहानी? आओ अब हम इसका कुछ अभ्यास कार्य करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है शब्द अर्थ, शब्दों के अर्थ। शब्द अर्थ हम आपको पढ़ा रही हैं लेकिन आप इसको अपनी कार्य पुस्तिका में भी लिखेंगे। ओके, प्रतियोगिता स्पर्धा, प्रतियोगिता स्पर्धा, आयोजन व्यवस्था, आरंभ शुरू होना, आरंभ शुरू होना, प्रसन्न खुश, पुरस्कार इनाम, पुरस्कार इनाम, पराजित हराना, असंभव नामुमकिन, असंभव नामुमकिन। ओके, नेक्स्ट है देखिए अभ्यास कार्य में श्रुतलेख एवं उच्चारण अभ्यास। पहला है, निम्नलिखित शब्दों का शुद्ध लेखन एवं उच्चारण कीजिए। आपको मैम नए शब्द लिखकर देंगी कॉपी में, कार्य पुस्तिका में, आप उसे अपनी कार्य पुस्तिका में सुंदर सुंदर लिखेंगे और बोल बोल कर लिखेंगे ताकि आपको आ जाए लिखना। विक्रम, कंजूस, प्रतिभा, तारीफ, पुरस्कार, प्रतियोगिता। ओके, मौखिक प्रश्न है, देखिए सोचिए और बताइए, आपको अपनी कार्य पुस्तिका में नहीं लिखने। ओके, राजा ने अपने राज्य में किस प्रतियोगिता का आयोजन किया था, किस प्रतियोगिता का आयोजन किया था, जल्दी सोचो। दौड़ प्रतियोगिता का, दौड़ प्रतियोगिता में कौन विजयी हुआ, राजा की रामू। राजा ने तो दूसरी दौड़ में भाग लिया था ना, लेकिन जो पहली प्रतियोगिता कराई थी उसमें कौन जीता था, रामू। तो दौड़ प्रतियोगिता में कौन विजयी हुआ, रामू विजयी हुआ। ओके, अब नेक्स्ट है, सही विकल्प के सामने सही का निशान लगाइए। आपको ये अपनी पुस्तक में ही करना है, किताब में ही करना है। पहला है, विजेता के लिए पुरस्कार की राशि कितने सोने के सिक्के थे, कितने थे, 50, 100 या 200 सिक्के, 200 सिक्के। ओके, यू विल टेक 200 सिक्के। राजा किस शहर में रहता था, गजबगढ़, अजबगढ़ में या सुंदरगढ़ में, अजबगढ़ में। ओके, नेक्स्ट है, देखिए नेक्स्ट पेज, सही कथन के सामने सही तथा गलत के सामने गलत का निशान लगाइए। राजा कंजूस था, सही। राजा ने दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन करने से इनकार कर दिया, नहीं। राजा ने सोने के 200 सिक्के रामू को दे दिए, गलत। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए बेटा, ये हम अपने कार्य पुस्तिका में करेंगे। ओके, नेक्स्ट है, भाषा ज्ञान, पढ़िए और समझिए।
पूर्ण विराम। पूर्ण विराम क्या होता है बेटा? देखो वाक्य के अंत में एक सीधी रेखा होती है, हमेशा देखा होगा आपने, तो उसको क्या कहते हैं? पूर्ण विराम। देखिए आपको पूर्ण विराम के साथ ब्रैकेट में लिखकर दिखाया गया है कैसा होता है। अगला है प्रश्नवाचक चिन्ह, वो क्या होता है? हर क्वेश्चन के लास्ट में क्वेश्चन मार्क होता है, प्रश्न चिन्ह होता है, उसे कहते हैं प्रश्नवाचक। जब वाक्य में प्रश्न पूछे जाने का अलग पर जाने पर क्या लगते हैं? प्रश्नवाचक चिन्ह लगते हैं। ओके, अब नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं जिनमें पूर्ण विराम या प्रश्न चिन्ह लगाने हैं आपको। क्या मुझे इसे सोने के सिक्के देने पड़ेंगे? प्रश्न चिन्ह, क्योंकि वो पूछ रहा है। मैं तुमसे तेज दौड़ सकता हूँ? पूर्ण विराम, क्योंकि वो बता रहा है। रामू ने यह प्रतियोगिता जीती है? पूर्ण विराम। आपका नाम क्या है? प्रश्न पूछा जा रहा है तो प्रश्नवाचक चिन्ह। नीचे दिए गए शब्दों के उल्टे अर्थ वाले शब्द छांट कर लिखिए। अच्छा बुरा, उल्टे अर्थ में उसका उल्टा अर्थ, आरंभ अंत, विजय पराजय, पुरस्कार दंड। ओके, नाउ नेक्स्ट है, नेक्स्ट पेज पे प्रश्न 8 है आपका। नीचे दिए गए शब्दों के समान अर्थ वाले शब्द वर्ग पहेली में ढूंढकर उन पर गोला लगाइए। प्रसन्न, खुश, देखिए मैम ने लगाया लास्ट में नीचे, आपको भी ऐसे ढूंढकर अपना गोला लगाना है। पराजित, हारना, पुरस्कार, इनाम, आयोजन, व्यवस्था, आरंभ, शुरू। ओके बेटा, तो आप अपने मैम की वीडियो देखकर अपने किताब में, पुस्तक में अपना अभ्यास कर रहे, पूरा करेंगे। ओके देन, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।